देखिए शगुन, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस काल में भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लोग नियम नहीं मानने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, तो अब प्रशासन ने भी वैसी ही सजा दी है। देखिए, पहले सड़कों पर उछल उछल कर मेंढक रेस और उसके बाद पुलिस वालों के सामने कसरत। आपने कई बार पुलिस से लोगों को पिटते देखा होगा, लेकिन यहाँ पिटाई की जगह सेहत बनाने का काम चल रहा है। और इनका गुनाह क्या है वो खुद सुन लीजिए। शपथ लेता हूँ कि कोरोना कर्फ्यू में बिना कारण के घर से नहीं निकलूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की है, जहाँ लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को प्रशासन ने अनोखी सजा दी। योग, प्राणायाम और फेफड़े मजबूत करने वाले कसरत करवाकर शपथ दिलवाई कि अब बेवजह नहीं घूमेंगे। आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आप कोरोना से अच्छे से लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि मंदसौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच किसी एक शख्स की लापरवाही कई लोगों को भारी पड़ रही है। रतलाम में एक कोरोना पॉजिटिव शख्स शादी करने के लिए घर से निकल पड़ा, फिर क्या हुआ आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पीपीई किट पहनकर 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाते दूल्हा दुल्हन। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, कन्यादान कर रहे माता पिता और पंडित ने भी पूरी सावधानी बरती हुई है। कोरोना काल में हो रही इस अनोखी शादी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां 19 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकले एक व्यक्ति ने 26 तारीख को पुलिस प्रशासन और परिवार की मौजूदगी में शादी की। दरअसल युवक ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही कंटेनमेंट जोन से बाहर आकर शादी करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर सूचना मिलते ही पुलिस शादी वाली जगह पहुंच गई और अपने सामने ही शादी करवाई। इनके वहाँ एक हार्ट पेशेंट है जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है, इसलिए यहाँ शादी का कार्यक्रम रुकवाने के लिए आए थे हम, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट और बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद पीपी किट में शादी करवाई गई है, जिससे संक्रमण न फैले। ये आउट ऑफ वे जाके कंटेनमेंट खोल कर बाहर आए हैं, क्योंकि ये बाहर आए हैं अब इनके ऊपर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है, 51B की कार्रवाई भी हो सकती है, 269 270 की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद ये कार्रवाई भी आगे की जाएगी। पुलिस का कहना है कि युवक ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलकर अपराध किया है, लेकिन सारी तैयारी हो जाने की वजह से पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने इस शादी को पूरा करवाया। शादी तो ठीक थी, लेकिन जब पूरे देश में कोरोना इस कदर फैल रहा हो, ऐसे में एक पॉजिटिव मरीज का इस तरह बिना जानकारी दिए घर से बाहर निकलना दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। ABP News आपको रखे आगे।